के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं का 16 मार्च को कल जो आपके अंग्रेजी का पेपर होने वाला है 10वीं का, उसके लिए 100% रियल एक पेपर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप 80 में से 80 ला सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। आपको पता है हम आपको गलत कभी भी क्वेश्चन नहीं बताते हैं, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप देखें आपके एग्जाम के अंदर इस वीडियो से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिर एग्जाम के बाद आपको इस वीडियो पर वापस आना है और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले। मुझे उम्मीद है आप सब वापस आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो जो बताया ना एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे ऐसे के तैसे, ठीक है, जैसे आपने बताया वैसे के वैसे क्वेश्चन आए, बिल्कुल चेंज भी नहीं हुई लैंग्वेज, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। वह इस पेपर को आपको तैयार करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि फिर बाद में एग्जाम बाद आपको पछतावा होगा कि मैंने पूरी वीडियो क्यों नहीं देखी। और वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं, सब याद हो जाएंगे, बस 2 से 3 बार वीडियो को देख लो, ठीक है। तो चलते हैं सीधा पेपर की तरफ। तो ये आपके कक्षा 10वीं का पेपर है, तो ये पे आपके इंस्ट्रक्शन है, फिर आपके पता है कि आपके पैसे जाएगा। हम सीधा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका हम पहले सोल्यूशन आपको बता देते हैं, फिर आगे वाले का भी बता देंगे आपको। तो देखें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर बाद में आपको पछतावा होगा, इसलिए पूरी देख रहे हैं हम। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने रिप्लेस कैसे कर दिया था नेकलेस को, ठीक है, उन्होंने नेकलेस को कैसे बदल दिया था, ये आपके सवाल है। तो इसका सवाल का जवाब देखते हैं। तो ये आपके आंसर है, ये आप लिखेंगे दे रिप्लेस्ड द नेकलेस बाय पेइंग 18,000 फ्रेंसेस। आप सबको पता है जो नेकलेस था वो कितने का था, 36,000 फ्रेंसेस, ठीक है, 36,000 फ्रेंसेस का वो नेकलेस था। पर तो उनके पास कितने पैसे थे, उनके पास केवल 18,000 फ्रेंसेस थे, ठीक है ना, 18,000 ही थे। तो उन्होंने 18,000 फ्रेंसेस तो दे दिए नेकलेस के लिए जो उनके पिता उनके लिए छोड़ के गए थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। एंड ब्रोइंग, ब्रोइंग का अर्थ क्या होता है, ब्रोइंग का अर्थ होता है उधार लेना, ठीक है। तो उन्होंने उधार ले लिया द रेस्ट ऑफ अमाउंट, जो 18,000 बाकी के बचे। आपको पता है 36,000 का आपके नेकलेस था, ठीक है, जो बाकी के 18,000 बचे, 18,000 उन्होंने दे दिए, और बाकी के जो 18,000 बचे उन्होंने क्या करा, उसको ब्रोइंग किया, उधार लिया, किससे लिया, अमाउंट फ्रॉम यूजर्स एंड मनी लेंडर्स। यूजर्स किसको कहते हैं, ये उसको कहते हैं सूदखोर को। सूदखोर कौन होता है, जो ज्यादा सूद लेता है, मतलब जो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, कि आपने 1,000 रुपये लिए उस पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपके लगभग समझ लो 20% इंटरेस्ट ले रहा है, कि 200 रुपये और ऊपर लूंगा मैं, अगले दिन आप वापस पैसे लौटाओगे तो 200 रुपये और लूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो यूजर्स होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना, तो उनसे उन्होंने पैसे लिए, ठीक है, बाकी के जो 18,000 बचे थे। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथवा का भी आपको करते हुए चलना है। तो देखें आप व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, जो इन है वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या हुई थी, ठीक है, क्या घटी थी। तो देखें आप द अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपेंड एट द इन वॉज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, जो मिसिज हॉल का फर्नीचर था उसके बिहेवियर जो था उसमें घटना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आगे देखें आप, आगे क्या लिखेंगे आप, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट द साइंटिस्ट वॉज नॉट इन हिज रूम, जो साइंटिस्ट है वो उसके रूम में नहीं है, ये किसने देखा, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी ने, ठीक है ना, कि साइंटिस्ट उनके रूम में नहीं है। और टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इट, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी मौके का फायदा उठाया और इन्वेस्टिगेट करने लग गए, ठीक है, छानबीन करने लग गए। दे फाउंड हिज बेड क्लॉथ कोल्ड, ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि उसके जो बेड क्लॉथ है, ठीक है, जो बिस्तर होता है उस वो क्या है, ठंडा है, ठीक है। हिज यूजुअल क्लॉथ्स एंड हैट लाइंग अबाउट द रूम, जो उसके जो वो हमेशा दैनिक जीवन के अंदर कपड़े पहनता है और जो उसकी मतलब कैप हैट है वो भी रूम पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो इन्होंने ये पाया। तो ये आप उत्तर लिख देंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, ठीक है ना, जो हैपन हुई थी इनके अंदर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट 15 क्या, हम आपको अथवा का पहले बता देते हैं। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, जो ट्रीज है पोएम के अंदर कहाँ पे थे, ठीक है, और वाट डू देयर रूट्स, उनके रूट क्या कर रहे थे, देयर लीव्स और उसकी लीव्स क्या कर रही थी, और देयर विंग्स विंग्स क्या कर रहे थे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, हमने बिल्कुल इजी रखा है ताकि आपको याद भी हो जाए सारे आंसर, तो आंसर बहुत इजी हमने बनाए हैं ताकि आपको याद हो जाए, और सारे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरा 2 से 3 बार देख लो और बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे ही क्वेश्चन 100% करके चले जाना, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम बाद, फिर आप खुद कमेंट करके बताओगे। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखें आप आंसर स्टार्ट करेंगे, इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस, जो ट्रीज है वो कहाँ पर है, पोइट्स के हाउस में, ठीक है, लेखक के घर में। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, यानी जो उनके जो
बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने की जड़े कोशिश कर रही है, ठीक है ना। आगे देखें, द लीव्स मेक्स एफर्ट टू मूव टूवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो शीशे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। वाइल द स्मॉल ट्विंग्स गेट स्टिफ विद एक्सर्शन, ठीक है, जबकि छोटी छोटी जो टहनियां हैं वो परिश्रम कर रही है कड़ी, ठीक है ना, कड़ी परिश्रम कर रही है फैलने के लिए। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, रपुंजल की स्टोरी क्या आप जानते हैं, तो आपको यस या नो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस आ जाएगा, या तो पहले हम बता देते हैं, व्हाई डज शी अमांडा वॉन्ट टू बी रपुंजल, जो अमांडा थी, ठीक है, ये शी अमांडा के लिए आया, तो जो अमांडा थी वो रपुंजल क्यों बनना चाहती थी। तो देखें आप, तो ये आपके आंसर हो जाएगा, अमांडा वॉन्ट्स टू बी रपुंजल, ठीक है, अमांडा बनना चाहती थी रपुंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वो क्या करना चाहती थी, वो अकेली रहना चाहती थी अमांडा, ठीक है, क्योंकि रपुंजल था ना वो भी अकेला रहता था। वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कोई भी उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दे, और शी डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क, उसको कोई भी काम ना करना पड़े अमांडा को, इसलिए वो क्या बनना चाहती थी, रपुंजल बनना चाहती थी। तो ये आप इजीली बता सकते हैं। आगे चलते हैं, तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट्स हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को भी देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, जो मंडेला था उसकी हंगर ऑफ फ्रीडम यानी भूख थी आजादी के लिए, उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। तो देखें इसका आंसर, मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक। तो देखो इसका मतलब क्या है कि मंडेला ने रियलाइज कर लिया था उसके युवावस्था में, ठीक है, यूथ जब वो छोटा था, युवा था, तब उसने रियलाइज कर लिया था कि ये केवल उसकी आजादी के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि ये सभी अश्वेतों, ठीक है, ब्लैक का मतलब है अश्वेतों यानी जो काले लोग हैं उन सबकी आजादी के लिए भी है, ठीक है ना, ये केवल उसकी आजादी के लिए नहीं है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रेबल, यानी जो डरपोक जो व्यक्ति है, ठीक है, भयभीत व्यक्ति है, उसको क्या बना दिया इसने, इस चीज ने उसको फियरलेस बना दिया और रेबल बना दिया। रेबल का मतलब आप सबको पता है, बागी, ठीक है, आपने बागी मूवी भी आई थी, तो बागी बना दिया, ठीक है ना, फियरलेस रेबल बना दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप, व्हाई डज मेडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, जो मेडी थी वो स्टैंड पीछे खड़ी थी, ठीक है, स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पिगी, वो पिगी से कैसे अलग है, यानी मेडी पिगी से कैसे अलग है, और ठीक है कि क्यों अलग है, ठीक है ना, वो कैसे अलग है और क्यों अलग है ये भी आपको बताना है, और वो पीछे खड़ी होके कुछ भी क्यों नहीं कर रही थी ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर, तो ये आपके आंसर हो जाएगा, मेडी स्टैंड्स बाय एंड डज नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अगेंस्ट पिगी, ठीक है, क्योंकि वो क्यों नहीं बोली कुछ भी, क्यों नहीं करा उसने कुछ भी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है बोलने की, किसके अगेंस्ट, पिगी के अगेंस्ट, पिगी के खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। एज शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मेडी इज अ डिफरेंट फ्रॉम पिगी, ठीक है, मेडी क्या है, डिफरेंट है पिगी से, ठीक है, अलग है, क्यों अलग है, बिकॉज शी डिड नॉट मेक फन ऑफ वोंडा, जो वोंडा है उसका मजाक वो नहीं उड़ाती है, जबकि पिगी उड़ाती है मजाक और मेडी नहीं उड़ाती, इसलिए वो दोनों अलग है, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ये वाला देख ले पहले, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का अर्थ क्या होता है, एसेंट्रिक का अर्थ होता है सनकी, ठीक है, जो सनकी होता है दिमाग से उसको कहते हैं। तो देखें मिसेज जो हॉल है उसको क्यों लगा कि साइंटिस्ट क्या है, सनकी है, तो देखते हैं इस प्रश्न का जवाब, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज हिज अपीरियंस वॉज अनकॉमन, क्योंकि उसका जो पहनावा था वो क्या था, अनकॉमन था, ठीक है, असामान्य था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, ठीक है, जब वो चोरी हो जाती है उनके इधर, तो अलग अलग इंसानों का अलग अलग रिएक्शन होता है, डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे रॉब्ड, ठीक है, आर रॉब्ड, तो देखें इसमें उन्होंने क्या कहा था, तो इसका आंसर देखते हैं।
तो देखें आप, इसमें आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार द रिच मैन शोड एंगर, ठीक है, जो अमीर आदमी के इधर चोरी हो जाती है तो वो क्या दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब होता है वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हो गई मेरे यहाँ चोरी, कोई नहीं अब गया पैसा, ठीक है। तो और जो द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होते हैं वो डर दिखाते हैं आफ्टर गेटिंग रॉब्ड, ठीक है, चोरी होने के बाद। तो ये आप लिख सकते हैं डिफरेंस है तीनों के अंदर। अब हम पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर देख लेते हैं, एक बार लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखें आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेटर आपके, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी रीवा, ठीक है, रीवा के अंदर जो स्कूल है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, जो इशू करवानी है प्रिंसिपल को, आपको लिखना है इशू करवाने के लिए, किताब इशू करा दी जाए, ठीक है, बुक बैंक से, जो बुक का भंडार है वहाँ से इशू करा दी जाए मेरे लिए किताब। तो ये आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, और आपका नाम दे रखा है कि आप हो नवीन शर्मा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखें आप, सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे टू, फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवा, ठीक है, जो भी नाम आपको दे रखा है, अगर यहाँ पे आपको अजमेर दे रखा है तो आप अजमेर डाल दें, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो ना तो भी आपको क्या डालना है, अजमेर डालना है, क्योंकि आपकी बोर्ड अजमेर बोर्ड है, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आप रिगार्डिंग इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। आगे देखें, फिर आप लिखेंगे सर, यहाँ पे आप चाहें तो डियर सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डियर सर या मैडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जेंडर नहीं पता तो डियर सर और मैडम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्लिक लगाकर। विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B ऑफ योर स्कूल, ठीक है, मैं ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कक्षा 10वीं B का और आपकी स्कूल में, ठीक है। आई कम टू नो दैट कोड बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स आर बींग इशूड फ्रॉम बुक बैंक ऑफ द स्कूल, ठीक है, मुझे पता चला है कि बुक बैंक से जो किताब है और रेफरेंस बुक से वो मिल रही है, ठीक है ना। तो आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम देम, तो मुझे उनमें से किसी चीज़ की जरूरत है, अर्जेंट नीड है, दिस बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल, और जो किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। माई फादर हैज़ बिन सिक फॉर लॉन्ग टाइम, हैंस ही हैज़ नॉट रिसीव्ड हिज सैलरी फॉर 2 मंथ, और जो मेरे पिता हैं वो बीमार हैं, ठीक है, लंबे समय से, तो इस वजह से उनको सैलरी नहीं मिली है 2 महीने से, ठीक है ना। काइंडली इशू मी द फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है, जो फॉलोइंग बुक्स है जिसका लिस्ट मैंने दे रखी है उसको आप इशू करवा दें। आई शेल कीप देम विद केयरी केयर एंड रिटर्न देम इज गुड कंडीशन, मैं उसको केयर करूँगा उन किताबों की सही से, और उसको रिटर्न कर दूंगा अच्छी कंडीशन में। द लिस्ट ऑफ बुक्स इंग्लिश लिटरेचर चाहिए मुझे पार्ट 2, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी नाम लिख सकते हैं अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। आगे देखिए, फिर आप लास्ट में लिखेंगे योर फेथफुली नवीन शर्मा, जो आपको नाम दिया था, 10th क्लास B गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, जो भी आपको दे रखा है, ओके, ये आप लिख सकते हैं। और अगर हम आपको बता देते हैं कि आपको इसकी PDF और सॉल्यूशन की PDF दोनों कैसे मिलेगी, तो देखें आप, बाकी का जो है हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। तो आपको बता देते हैं 6350459046, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इस पर आपको लिखना है क्लास 10th इंग्लिश। जब आप क्लास 10th इंग्लिश लिखेंगे तो हम आपको एक QR कोड भेजेंगे, उस QR कोड को आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपको 29 रुपीज़ पे करने हैं, तो आपको ये वाली पूरी PDF मिल जाएगी, और भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कुछ ट्रिक्स हैं आपकी ग्रामर की वो भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर, तो वो बहुत शानदार आपके लिए स्टडी मटेरियल बना रखा है। 29 रुपीज़ में जाता ही क्या है, बहुत ही छोटी सी हमने प्राइस रखी है, और आपको पता है कि 10वीं आपकी एक बार ही है, फिर आप जीवन में कभी भी 10वीं नहीं दे पाओगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत शानदार आपके लिए मेहनत करके स्टडी मटेरियल बनाया गया है, इसलिए इसकी हमने प्राइस रखी है और बहुत ही मिनिमम रखी है। आप एक बार एक सब्जेक्ट का लेंगे, फिर आप खुद कहेंगे कि सर हमें दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए, और आप खुद कहेंगे कि वर्थ इट है सर, 29 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है इसके, तो इसलिए एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।